अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय के समक्ष पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष जगदम्बा देवी सहित संगठन की महिला सदस्य मौजूद रही। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष जगदम्बा देवी ने कहा, गोरखपुर 20/27/2019 तक एक सप्ताह का महिला सुरक्षा आज ज्ञापन के माध्यम से निर्माण करते हैं। पहला है गोरखपुर जनपद अंतर्गत पूर्वा करा कर कराई जाए तथा बच्चियों के परिजनों को सुरक्षा दी जाए तथा घटनाओं में स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए असंवेदन व्यवहार और हिला हवाली एवं लापरवाही की जाँच कराई जाए। मनरेगा प्रारंभ किया जाए ताकि महिलाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। चौथा, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। पांचवा, महिला वकीलों को तत्काल संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से साथ ही ये हमारी कहाँ है, आप इसको पढ़ के बताइए कि आपके साथ जगदम्बा देवी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ज्ञापन इसलिए दिए हैं उरुआ वाली घटना, उन्नाव वाली घटनाओं को लेकर और कुलदीप सिंगर को फांसी की मांग और फास्ट टाइम कोर्ट में इस घटना को ले जाने की कि जितना जल्दी उनको न्याय मिले। और अभी तक वो जो बच्ची एडमिट है उसका कोई सुराग नहीं, एक हफ्ता से कोई पेपर में न्यूज़ नहीं आ रहा, इसको लेकर हम लोग ज्ञापन दिए।